हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है कविता बनारसी किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार रबड़ीदार खीर। इसे तो सभी को पसंद करते हैं और इसे बनाना तो बहुत ही इजी है। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम खीर बनाने के लिए भगोना लेंगे, उसको हम गैस पर रख के फिर इसके बाद हम दूध डालेंगे उसमें। दूध हमने 1 लीटर के करीब लिया है और हमने पैकेट का दूध इस्तेमाल किया था, मार्केट का हमने नहीं लिया है। और इसको हम रख देंगे पकने के लिए। हम इसको 10 मिनट तक अच्छे से उबालेंगे दूध को। जब दूध में अच्छे से उबाल आने लगेगा फिर इसके बाद हम इसमें छोटी इलायची डालेंगे कूटकर, और यह है चीनी। चीनी भी हमने स्वाद के अनुसार डाल दिए हैं। और इसको हम पकने देंगे अच्छे तरीके से, फिर हम पकाएंगे गैस पर। और खीर तो आप जान रहे हैं ना कि कितना टेस्टी बनता है, सभी को खीर पसंद है। ये देखिए, हमने केसर के धागे डाल दिए हैं, 5 से 6 पीस अब ये भी डाल दिए हमने। फिर इसके बाद हम इसको इसमें किशमिश डालेंगे और काजू। काजू किशमिश दोनों हम डाल देंगे और उसी तरह से हम दूध को उबालते ही रहेंगे। हमने खीर में मखाना भी डाले हैं, अगर आपको मखाना पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं। और जितना दूध को पकाएंगे उतना ही अच्छी और टेस्टी बनके रबड़ीदार खीर एकदम तैयार होगा। और देखिए दूध कितना प्यारा कलर भी आ गया है दूध का। और इसको हम 10 मिनट तक अच्छे से उबाल भी लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा ही कलर चाहिए तो आप भी इसमें फूड कलर डाल सकते हैं 1 चम्मच दूध में, और नहीं तो केसर के धागे भी डाल सकते हैं। और इसको हम देखिए एकदम अच्छे से इसको हम पका रहे हैं ताकि दूध हमारा गाढ़ा हो जाए पक के एकदम। और इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो साइड साइड से मोटा मलाई जमने लगेगा। फ्रेंड्स, अब हम इसमें चावल डालेंगे। ये देखिए, हमने 4 से 5 चम्मच चावल जो लिया है ना, उसको हमने 1 घंटे पहले रख दिए थे पानी में भिंगो करके अच्छे से फूलने के लिए। जब ये चावल अच्छे से फूल गया है, इसके बाद हम इसको ग्राइंडर में लेके बस हल्का सा हमने ग्राइंड किया है, एकदम बारीक नहीं किया था। बस 1 चावल में से 2 पीस हो जाए ऐसे ही हमको रखना है। और फिर हम इसको पीस लिए हैं, फिर हम डाले हैं खीर में, दूध में डाल दिए हैं इसको खीर बनाने के तैयार करने के लिए। और इसको हम चलाते रहेंगे ताकि अंदर से लम्स ना बने, देखिए इस तरीके से। और इसको हम 10 मिनट के लिए अच्छे से पका करके गाढ़ा खीर बना करके हमने तैयार कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, रबड़ीदार खीर बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सभी को पसंद आने वाली ये खीर है। आपके घर में तो सभी पसंद करते होंगे, इसी तरह मेरे यहाँ भी सब लोग पसंद करते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।